अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेंदू वड़ा, जो कि बहुत ही अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी बनके तैयार होने वाला है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाई हूँ मैंने इसे। इसके साथ में हम चटनी भी बनाएंगे और मेंदू वड़े के साथ सर्व करेंगे। मैं इस मेंदू वड़े के साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक भी लाई हूँ, जो ये मेंदू वड़े को बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले ये उड़द की दाल जो है, जिसे माश की दाल भी कहते हैं, उसे मैंने भिगो के रख दी थी 2 घंटे के लिए। अब ये अच्छे से नरम हो गई है। अब इसमें ये मैं जो पोहा है ये मैं इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो इसके बदले जो घर का पका हुआ चावल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे 2 टेबल स्पून ली हूँ और ये दाल को मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके दाल के पीसना है। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि दाल अच्छे से नहीं पिस रही है, बारीक कैसे पिसे, बिना पानी डाले कैसे पिसे। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये दाल को पीसी हूँ। इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो मिक्सर का जो पावर है, जो उसका वाट है, वो ज़्यादा हाई वाला होना चाहिए, जिससे ये अच्छे से पीस सकता है। जितने हाई पावर का मिक्सर होगा उतने ही अच्छे से दाल पीस के तैयार होगी ये। अब मैं इसी तरीके से दाल को पीस लूँगी। देखिए कितनी ड्राई मैंने पीसी हूँ, बहुत ही कम मैंने पानी इसमें इस्तेमाल की हूँ। इसी तरीके से सेकंड प्रोसेस भी करेंगे। मैंने नीचे पोहा डाली हूँ, आप चाहे तो घर का पका हुआ चावल भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं डालना है और ये दाल डाल के इसे पीस लेना है। सेकेंड टिप्स क्या है, इसको डालने से जो मेंदू वड़े में क्रिस्पीनेस आती है वो इसी चावल या पोहा डालने से ही आती है। इससे बहुत अच्छा सा बाहर से क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अब ये देखिए, ये मैंने सारे बैटर को मैंने अच्छे से पीस ली हूँ। आपको इसे 2 से 3 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे हाथों से अच्छे से इस तरीके से फेंटते रहिए अच्छे से। आप चाहे तो एक थाली में डाल के उसे अच्छे से मसलिए। इसे बहुत अच्छे से मसलते रहना है, कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरीके से इसे मैश करते रहना है, जिससे इस बैटर में एयर जमा हो जाए। अब ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से करी, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे करी हूँ। मैंने इसे 3 घंटे के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ दी थी, जिससे देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया। इसमें कितने अच्छे से खमीर उठ गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाना है। ये भी एक टिप्स है, आप चाहे तो ठंडी का मौसम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी और इसमें कुछ मसाले डालूँगी। अब मैं इसमें ये करी लीव्स डालूँगी, जो कड़ी पत्ता है। अब इसमें मैं ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डालूँगी, आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली कट करके भी डाल सकते हैं। और ये मैं अब लास्ट में नमक डालूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करी हूँ, क्योंकि बाहर जो हम मेंदू वड़ा खाते हैं वो बिल्कुल सादा सा होता है, उसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं। इसे जितना सिंपल रखा जाए वो उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा और खाने में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब ये देखिए, मैं आपको किस तरीके से इसका शेप देंगे उस तरीके बताती हूँ। मैंने अपने हाथों की हथेली पे अच्छे से पानी लगा ली हूँ। अब ये बैटर को मैं इस पे रख के इसे अच्छे से शेप दूँगी इस तरीके से। फिर ये बीच में इसे होल करने के लिए उंगली को गीला करना है और इसे बीच में इस तरीके से कर लेना है। देखिए ये बैटर कितना थिक बना है, देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे शेप दे दी हूँ। और मैंने ऑयल को गरम होने के लिए रख दी थी, अभी अच्छे से गरम हो गया है। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरा भी मेंदू वड़ा बना के तैयार करूँगी। इसी तरीके से मैंने सारे मेंदू वड़े बना ली थी और इसे मैं ऑयल में डाल दूँगी और इनको मैं मीडियम फ्लेम पे इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन होते ही इन सबको निकाल लेना है। मीडियम फ्लेम पे कुक करने से ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाता है, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रह जाता है। अभी देखिए ये हो चुके हैं कुछ, मैं इनको भी निकाल लूँगी। सारे मेंदू वड़ों को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ही, इसमें बिल्कुल घाई नहीं करना है। जैसे जैसे लाइट ब्राउन हो रहे हैं मैं उन सब मेंदू वड़ों को निकाल ले रही हूँ।
अब इन सबको भी लाइट ब्राउन करने के बाद में निकाल लेना है, और जो बचे हुए बैटर था मैं इसको वापस से ऐड कर दी हूँ और इनको भी लाइट ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी मैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, अब ये ऑयल को मैंने फिर से हाई फ्लेम पे गरम करी हूँ और जो मेंदू वड़े मैंने लाइट ब्राउन करके निकाली थी इसे इस तरीके से वापस से इसमें डाल देना है। इससे मेंदू वड़े में बहुत अच्छा सा क्रिस्पीनेस आता है, बहुत कुरकुरे बनते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बन के तैयार होते हैं। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा फ्राई करके फौरन इसे निकाल लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। सिर्फ इसे क्रिस्पीनेस देने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। अब ये मैंने इस तरीके से देखेंगे जल्दी से मैंने इसे निकाल ली हूँ। इसी तरीके से जितने बचे हुए मेंदू वड़े हैं उन सबको भी इसी तरीके से कर लेना है। लेकिन मानिए बहुत ही इजी रेसिपी है, बस इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वक्त दे के किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसे जितना ही एहतियात से और आराम से बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने होगा। देखिए मैंने इन सबको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और ये जो बचे हुए हैं मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए अब इसकी चटनी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ मसाले ली हूँ जिसमें सफ़ेद चने की दाल है, ज़ीरा, हरी मिर्च, खोपरा, नमक, इन सबको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक से पीसना है। अब मैं इन सबको मिक्सी जार में डाल दी हूँ और इसमें मैं हाफ लेमन, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हो, और ये थोड़ा पानी आप डाल दो और इसे अच्छा सा पेस्ट इसका बना लीजिए। मैंने ये अच्छे से इसको पीस ली हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये मैंने बारीक सा पीस ली हूँ। अब इसका तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने तड़का पैन ली हूँ, उसमें मैं ये अक्की लाल मिर्च को तोड़ के डाल रही हूँ और मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाली हूँ और थोड़ी सी राई डालूँगी और इसका तड़का तैयार करेंगे हम। और इसमें ऑयल डाल के इसका तड़का तैयार हो गया है। अब चटनी पे इसे तड़का दे देंगे और इसे ढक देंगे। लीजिए मेरी चटनी और मेंदू वड़ा दोनों ही बन के तैयार है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को, देखिए कितनी सॉफ्ट है, अंदर तक बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है, बिल्कुल इसमें कच्चापन नहीं है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। फी अमान अल्लाह।